राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 मई 2023 को 72 साल के हो गए हैं। अपने करीब 40 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। फिलहाल अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वो 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 मई 1951 को जोधपुर के साधारण परिवार में जन्मे अशोक गहलोत ने राजनीति में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत ही कम नेता हासिल कर पाते हैं। तभी तो गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। देश के किसी भी राज्य में जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को वहां चुनाव प्रचार के लिए जरूर भेजते हैं। सीएम अशोक गहलोत छात्र जीवन से ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर समाज सेवा में जुट गए थे। गहलोत इंदिरा गांधी के कहने पर ही कांग्रेस में आए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय गांधी की मदद से राजस्थान NSUI के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी बाइक पर घूम घूम कर छात्रों को NSUI से जुड़ने का काम किया। ये वो दौर था जब देश में आपातकाल के हालत थे। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहली बार जोधपुर के सरदार शहर से विधानसभा का टिकट भी दिया गया, लेकिन वो अपना पहला चुनाव हार गए। कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने अपनी एक मोटरसाइकिल बेचकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में भले ही अशोक गहलोत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों को कभी टूटने नहीं दिया। उन्हें पता था कि उनकी मंजिल अभी दूर है। वो एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर मेहनत करते रहे। अशोक गहलोत 4 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों को कभी गिरने नहीं दिया। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने संगठन का चुनाव लड़ा, तब वो 4 वोटों से हार गए थे। बाद में छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ा तो करीब 400 वोटों से चुनाव हार गए। आपातकाल के बाद 1978 में जोधपुर के सरदार शहर से विधानसभा सीट से पहली बार MLA का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में भी गहलोत को हार का सामना करना पड़ा। फिर 1989 के लोकसभा चुनावों में भी अशोक गहलोत का हार का सामना करना पड़ा। बार बार हार का सामना करने के बाद भी अशोक गहलोत ने अपने हौसले टूटने नहीं दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से ही गांधी परिवार के बहुत नजदीक रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी गहलोत का काफी करीबी संबंध रहा है। 1978 के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद गांधी परिवार ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए उन्हें 1980 के लोकसभा चुनावों में जोधपुर से टिकट दिया। इस चुनावों में अशोक गहलोत ने 52,519 वोटों से जीत हासिल की, जिससे अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर के सुनहरे दिनों की शुरुआत हो गई। बाद में गहलोत 1984, 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। सांसद रहते हुए गहलोत को 3 बार केंद्रीय मंत्री बनने का भी मौका मिला। साल 1998 के राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। इस दौरान गहलोत लोकसभा के सांसद थे, लेकिन गांधी परिवार ने गहलोत को राजस्थान भेजा और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाला दी। बिना विधायक बने ही गहलोत विधायक दल के नेता बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद साल 1999 में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए। कांग्रेस के एक विधायक से इस्तीफा दिलवाकर करवाए गए उपचुनाव में अशोक गहलोत ने जीत दर्ज की और विधायक बन गए। बाद में साल 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों में गहलोत ने लगातार जोधपुर के सरदार शहर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। 1998 के बाद साल 2008 और 2013 में गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने का मौका मिला और अब वो प्रदेश के 3री बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं।